तो दोस्तों, इस वक्त की सबसे बड़ी खबर भारत और रशिया को लेकर, और एक बार फिर से भारत के जरूरत के समय में रशिया ही काम आया है। दरअसल आप सभी को पता है कि दुनिया भर में कच्चे तेल की कीमतों में उतार चढ़ाव जारी है, परंतु रशिया भारत को डिस्काउंटेड प्राइस के अंदर अभी भी कच्चा तेल बेच रहा है, जिससे रशिया भारत का नंबर वन सप्लायर है कच्चे तेल का, और इससे भारत को कच्चे तेल की बढ़ी हुई कीमतों को बैलेंस करने का भी एक बड़ा मौका मिल जाता है, और इस क्षेत्र में रूस भारत का एक बड़ा साथी बना हुआ है। परंतु अभी हाल ही में अमेरिका ने रशिया से भारत के लिए कच्चा तेल लाने वाले कुछ टैंकरों के ऊपर प्रतिबंध लगा दिया था, जिससे भारत में रशिया के कच्चे तेल की शॉर्टेज होने वाली थी, और अमेरिका ने न सिर्फ इन ऑयल टैंकर बल्कि इन ऑयल टैंकरों को बीमा देने वाली कंपनियों के ऊपर भी बैन लगा दिया था, जिससे भारत और रशिया के कच्चे तेल के व्यापार के ऊपर नेगेटिव इंपैक्ट पड़ सकता था। परंतु फाइनली इस क्षेत्र में एक बार फिर से रशिया ही भारत के काम आया है, और भारत को कच्चा तेल सप्लाई करने के लिए रशिया की एक बार फिर से डार्क फ्लीट मैदान में उतर चुकी है। डार्क फ्लीट एक ऐसे जहाज होते हैं जिनका ओनर के बारे में कोई पता नहीं होता, कौन इनका इंश्योरेंस कर रहा है इसके बारे में भी कोई पता नहीं है, परंतु फिर भी यह एक देश से दूसरे देश कच्चे तेल को फ्लो करते रहते हैं, और रशिया के पास डार्क फ्लीट के अंदर काफी सारे जहाज हैं जो कि भारत के लिए आवश्यकता के अनुसार निरंतर कच्चे तेल की सप्लाई करते रहेंगे। फिलहाल में रशिया को भी भारत के लिए कच्चा तेल बेचना मजबूरी है, क्योंकि रशिया के पास कच्चे तेल के ग्राहक कम हैं। परंतु आप सभी को क्या लगता है, अमेरिका ने जो भारत के साथ किया है और इसके बाद जो रशिया ने भारत के समर्थन में किया है, उसके बाद आप सभी को क्या लगता है कि रशिया भारत का अच्छा दोस्त है या फिर अमेरिका? कमेंट बॉक्स में। फिर आप स्थिति का वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।